मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने जाना, बट एक मैनेजमेंट का ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट जो चाह के भी उससे अलग नहीं होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक्रोनिसिटी। अब ये वर्ड भारी लग सकता है बट मैं आपको बताता हूं, इसका क्या मतलब है। सिंकिंग ऑफ एक्शंस बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में उनके जो भी एक्शंस होंगे वो सिंक, मतलब वो एक साथ चलेंगे। टॉप लेवल का जो एक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि बॉटम लेवल वहां से अपना काम कंटिन्यू कर सके, उससे नीचे वाले उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि उससे नीचे वाले वो काम कंटिन्यू कर सके। जब सारे डिपार्टमेंट्स में सिंक्रोनिसिटी रहेगी, एक एकता रहेगी टू अचीव अ यूनिटरी गोल, तब हम उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट में इतना फर्क है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज एन एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन एक, अगर मैं आपको मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल सहित बताऊं, सपोज मेरी एक पेन की ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट ये होगा कि मैं जो टॉप लेवल पे बैठकर डिसीजंस ले रहा हूं वो बिल्कुल प्रिसाइसली बॉटम लेवल तक ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जो डिसीजन, जो गोल मेरा है वो ही गोल मेरे वर्कर का है, ये हो गया मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज व्हेन कि जो लाइन ऑफ एक्शन मैंने लिया है 10,000 यूनिट पेन को बनाने में, उसी के तहत काम करती है मेरी नीचे वाली डिपार्टमेंट, उसी के तहत काम करता है मेरा नीचे वाला डिपार्टमेंट। ये फर्क होता है कोऑर्डिनेशन और डिपार्टमेंट में। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। मैं एक बंदा हूं, ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेशन एक से ज्यादा जने के बीच में होगा, मैं अकेला खुद से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ कोई और है, जस्ट लाइक मैं राइट नाउ में शूटिंग कर रहा हूँ, मेरा कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा है, तो हम दोनों के बीच में एक सर्टेन कोऑर्डिनेशन है, तभी हम ये वीडियो बाहर निकाल पाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अपने को ग्रुप चाहिए, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें से 1,000 लोग काम कर रहे हैं, तो उन हजारों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, उसके बिना कर ही नहीं सकते। अकेला भगवान कोई नहीं होता, वैसे अकेला भगवान होता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर मैं अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूं तो क्यों? क्योंकि हमें एक सिंगल गोल अचीव करना है, राइट? लाइक राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, आवर गोल इज टू गेट दिस वीडियो आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो जब हम ये काम कर रहे हैं, हम इसके लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम इसके लिए कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो अभी हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन, हमारे जो एक्शंस है, जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, वो यूनिट है। यूनिटी है मतलब वो एक है, एक ही गोल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैमरामैन कुछ और करना चाह रहा है, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, सपोर्ट कुछ और करना चाह रहा है, लाइटिंग कुछ और करना चाह रही, नहीं। इसका सिंपल मतलब है कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जब तक यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगी तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक मैनेजमेंट नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। मैंने पहले आपको मैनेजमेंट में बताया था, ऑल परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह हो। भगवान हर जगह है, हर जगह है मैनेजमेंट, हर जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि टॉप लेवल कर रही है, बॉटम लेवल नहीं कर रही, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइम कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रही है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, नहीं। कोऑर्डिनेशन हमारा पूरा ग्रुप कर रहा है, कोऑर्डिनेशन एक एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उसके बिना यूनिटरी गोल अचीव हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ओके, सो मैनेजर्स का क्या काम होता है? मैनेजर्स का काम होता है हर चीज को ओवरलुक करना। मैनेजर शब्द का मतलब है कि एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड बाय दैट पर्सन। अगर वो बंदा पूरी टीम 100 जनों की, 200 जनों की मैनेज कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिना कोऑर्डिनेशन के वो मैनेजर नहीं रहेगा, वो अपनी नौकरी खो देगा, क्योंकि सब खराब हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है से बहुत सारी सेल्स करना, 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन सेल करना। राइट नाउ दो जितने भी मैनेजर्स हैं, से 5 मैनेजर, उनका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से हो। और वो कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगा। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। ये एक शब्द है डेलिबरेट। डेलिबरेट का असल मतलब होता है जबरदस्ती। कोऑर्डिनेशन इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं है, नहीं है। कोऑर्डिनेशन होना ही है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसीलिए दिस इज द रीजन जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, इवन बिफोर स्टडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से भी पहले हमें कोऑर्डिनेशन पढ़ना होता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन
हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, हर लेवल, हर टीम, हर मैनेजर, हर सेक्टर के बीच में होना चाहिए. इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन, इसके बिना काम नहीं होगा. दैट्स व्हाट कोऑर्डिनेशन इज. मैं अगेन बोलूंगा, मैं चाहूंगा आप ये बहुत ठीक से समझें, बिकॉज अगर आज आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में, सो इट विल हेल्प यू टू इन्हांस योर स्किल्स. राइट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब. कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, एंड थैंक यू फॉर द